क्या हो रहा है बाबू, क्या कर रहे हो? हाय कर दो। हाय हाय हाय, कैरम खेल रहा है? कैसे खेलता है दिखाओ तो, दिखाओ खेल के कैसे खेलता है। अरे वाह, ये क्या, अब तो तुम्हारा गच्चा लग गया। हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो ये ज्ञान है, आप लोग तो पहचान ही गए होंगे, ये अभी कैरम खेल रहा है। अरे एक ठो निकाल लिया, देखिए मेरा बाबू ने एक ठो निकाल लिया। ज्ञान अभी कैरम खेल रहा है और ये अकेले खेलता है और अकेले जीत भी जाता है। जीतता है ना बाबू? कैसे जीतता है तू? देखिए इस तरह से, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों को हर चीज़ से, हर तरह से खिलाना ज़रूरी है, तो मैंने बाबू को एक कैरम ला के दिया। ये इससे इसका माइंड भी थोड़ा सा चेंज होता है और इसे खेलने में खुशी होती है। ये देखिए इस तरह से, ये साथ में ही इसका हाथों का भी थेरेपी हो जाता है, हाथ की भी एक्सरसाइज हो जाती है। थोड़ा सा ये अपने हाथ को भी हिलाता डुलाता है और ये खेलने की कोशिश करता है और जीतता भी है, अकेले ही जीत जाता है। गच्चा हो गया, देखिए इसका गच्चा हो गया। अब इसमें इसे निकाल देती हूँ। ये देखिए मैंने बाबू को किस पोजीशन में बैठाया है, इस तरह से दोनों पैर को हाथ हटाओ बेटा। इस तरह से बच्चे को 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट कभी कभी बैठाया कीजिए। ऐसे बैठने से, जैसे कि मेरा बाबू हिलता है ज़्यादा, इसलिए इस तरह से बैठाने से ये अपने शरीर को कंट्रोल कर लेता है। इस तरह से बैठना, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, ये एक आसन भी है और ये बड़े भी इस तरह से करते हैं, और बच्चे के लिए भी इस तरह से बैठना बहुत ही अच्छा होता है। इससे बच्चे अपने शरीर को कंट्रोल कर लेते हैं। देखिए मैंने अपने बाबू को इस तरह से बैठाया है, ये अपने शरीर को कंट्रोल करके, जब भी मैं इसे कैरम खेलने के लिए देती हूँ तो मैं इस तरह से इसे बैठा देती हूँ। पहले बहुत रोता था, पहले 5 मिनट रखती थी, फिर 10 मिनट, धीरे धीरे ये अब 10 से 15 मिनट या 30 मिनट रह जाता है और रोता नहीं है। इसलिए आप लोग भी अपने बाबू को इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठाएं, पहले 2 मिनट, 5 मिनट, जितना बच्चा कर सके थोड़ी देर के लिए बैठाएं, उसके बाद टाइम को बढ़ाएं। इस तरह से बैठने से बच्चे का बैलेंस बनेगा और पैर भी सीधा रहेगा। चलो बाबू खेलो, खेल के दिखा। अच्छा निकाल देंगे बाद में, अभी निकाल खेल लो। चलो आज एक्सरसाइज नहीं करना है, आज नहीं दिखाना है बाबू, आज एक्सरसाइज करके नहीं दिखाओगे? हाँ। तो स्टार्ट करें। मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा घोड़ा बनाएं, तो एक बात और, घोड़ा जब भी बच्चे को बनाए तो इस तरह का निकैप आता है घुटने में पहनाने के लिए। देखिए इस तरह का निकैप आप ले आएँ और अपने बच्चे को पहनाएं, क्योंकि अगर बच्चा घोड़ा बनता है तो उसके घुटने पे स्केच आ सकती है, उसके घुटने में दर्द हो सकता है, या पेन रिलीफ है और ये दर्द को भी कम करता है, इसलिए इस निकैप को ज़रूर पहना दें। ये माँ आप इसे ले आएँ और अपने बच्चे को पहनाएँ, तभी इसे घोड़ा बनाएँ, क्योंकि घोड़ा बनने पर पैर का घुटना घिस सकता है, इसलिए इसे पहना कर ही घोड़ा बनाएँ। स्पॉट की दुकान से भी ये आपको आसानी से मिल सकता है, या आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और ये पैर के लिए जूता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने इलाहाबाद में बाबू का थेरेपी करवाया था, वहीं से डॉक्टर्स ने हमें ये जूता बनाने के लिए बोला था, तो मैंने बनवाया था। मैंने बाबू को 2-3 जगह एक्सरसाइज करवाया, वहाँ से भी मुझे जूता बनवाया गया। एक जूता तो पूरे बॉडी का था, जो बाबू ज़्यादा नहीं पहन पाता था, वो रोता था। और फिर एक दूसरी जगह हम करवाएं तो वहाँ पे नाइट जूता दिया था, सिर्फ रात में पहनाना था। और यहाँ इलाहाबाद में हमें ये जूता बनवाया गया, इसे सर ने बोला था दिन रात पहनाने के लिए, दिन रात में 2-3 घंटा खोलिए, लेकिन बाबू नहीं रह पाता है रात में पहनकर, तो मैं इसे दिन भर पहनाती हूँ और रात को खोल देती हूँ। तो आप लोग भी जहाँ पे भी आप थेरेपी करवाते हों बच्चे का, या जहाँ थेरेपी होता है वहाँ से
सजेस्ट करके बच्चे का नाप दे के इस तरह से जूता बनवा सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे का जो ये पोजीशन है यहाँ वाला, ये उस उठा लेता है इस जूते से, ये नहीं उठा पाता है, और इससे कंट्रोल रहने से पूरे बॉडी इसका कंट्रोल रहता है, इसलिए ये जूता पहनाया जाता है। इस तरह से देखिए, ये देखिए मैंने बाबू को इस पोजीशन में लेटाया है। बहुत बच्चे में होता है कि दोनों पैर उसका बहुत ही टाइट रहता है और वो क्रॉस करके चलता है, तो अगर आपका भी बच्चे के पैर दोनों टाइट है, दोनों पैर को वो क्रॉस करता है, तो इस पोजीशन में बच्चे को 5 मिनट 10 मिनट के लिए रखें। इस तरह से दोनों पैर के बीच एक स्टूल तिरछा करके डाल दें। इस तरह से आपका बच्चा थोड़ी देर रहा तो उसका पैर, बाबू पैर सीधा करो, इस तरह से बच्चे को 5 मिनट शुरू में कम करें, 5 मिनट फिर 10 मिनट टाइम बढ़ाएं। इस तरह से दिन में 2 बार या 3 बार इस तरह से बच्चे को करें, ताकि बच्चे का टाइटपन ख़त्म हो और वो पैर को अलग करके चलना सीखे। जब आप बच्चे को घोड़ा बनाएं, तो बहुत बच्चा है जो दोनों घुटने को सटा लेता है, तो आप इस तरह जब बच्चे को आप घोड़ा बनाकर 5 मिनट 10 मिनट के लिए रोक रहे हैं, तो अगर बच्चा पीछे से पैर सटाता है तो इस तरह से बीच में एक बॉल दे दे या कोई तकिया को लगा दे, तो बच्चा दोनों पैर को नहीं सटाएगा अच्छी तरह से। 5 मिनट 10 मिनट आप घोड़ा बनाकर, रुको बाबू हिलो मत, हिल क्यों रहा है, इस तरह से बोलें, उसे हिलने नहीं दें 5 मिनट 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट जितना बच्चा कर सके उसे घोड़ा बनाकर रोके। ये इस तरह से मैंने बताया था कि स्टूल पे घुटने पे खड़ा करना है, तो इस पोजीशन में भी आप पैर के बीच में बॉल को रख सकते हैं, फुटबॉल जैसा बॉल आता है स्पोर्ट वाला, उस बॉल को, कड़ा बॉल रहता है, उस बॉल को ले आएँ और इस तरह से बीच में रखें। मेरा बाबू पहले सटाता था, अब आदत उसका ख़त्म हो चुका है, अब वो नहीं सटाता है। इस तरह से आप रख सकते हैं, और इस स्टूल पर अब थोड़ी देर अगर बच्चा रुक रहा है आपका, तो उसे इस तरह से स्टूल के सहारे पे चलने के लिए बोलें, चल के दिखाओ बेटा, स्टूल को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ धीरे धीरे, इस तरह से धीरे धीरे, आराम से, हिलना नहीं है, स्टूल को घसकाओ करके दिखाओ। ये देखिए इस तरह से बच्चे को, अगर बच्चा नहीं कर पा रहा हो तो पहले इसे स्टूल को धीरे धीरे आगे की ओर खींचे, चलो बढ़ो बढ़ो, टाइट हो के, टाइट हो जाओ, चलो चलो आगे आओ, आगे आओ, इस तरह से धीरे से हल्का हल्का स्टूल को खींचे, या तो फिर बच्चे को खुद से बोले, अगर बच्चा खुद से कर रहा है तो खुद से करने के लिए। ये देखिए बाबू मेरा इस तरह से धीरे धीरे, आप भी अपने बच्चे को इस तरह से स्टूल दे दे आगे में, और उसे बोले गाड़ी है, गाड़ी को चलाओ, चलाओ गाड़ी को, चलाओ आगे बढ़ाओ, इस तरह से। ये भी बच्चे का एक एक्टिविटी है, जिसे आप दिन भर जब भी हो बच्चा खेले तो उसे आगे में दे दे और उसे बोले कि चलाओ गाड़ी को, चलाओ स्टूल बढ़ाओ आगे। ये देखिए किस तरह से धीरे धीरे बच्चा घुटने के बल घुटना भी चला रहा है, पैर भी इसका चल रहा है, और साथ में इसकी एक्सरसाइज भी हो रही है। ये देखिए एक वाकर मैंने बाबू के लिए बनवाया है, इस वाकर के बनने से मेरा बाबू को बहुत ही हेल्प हुआ है। इसमें मैं बाबू को खड़ा कर देती हूँ, वो खड़ा भी रहता है, इसमें मैं बाबू को चलाती हूँ, उसे बहुत ही अच्छा लगता है, और आसानी से इसमें गिरने का भी कोई डर नहीं है। इस तरह से मैंने बनवाया था, देखिए लोहे के पाइप से, इसमें मैंने चक्का भी लगवाया था, लेकिन चक्का से बाबू मेरा इधर से इधर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसलिए चक्का को मैंने खोलकर अभी रख दिया है, जब वो कंट्रोल करने लगेगा तब मैं चक्का फिर से लगवा दूंगी इसमें, इसलिए अभी मैं इस दिखाती हूँ बाबू को किस तरह से इसमें डालकर चलाती हूँ, खड़ा करती हूँ। ये देखिए ज्ञान इसमें खड़ा हो चुका है, ज्ञान देखो इस तरह से, देखिए कितना अच्छा हेल्पफुल है बच्चे के लिए, इसमें गिरने का कोई डर नहीं है। मैं जब भी कोई काम कर रही होती हूँ तो बाबू को इसमें डालकर खड़ा कर देती हूँ, खुद से बुलता भी है, और थोड़ी देर जब इसे बुलने का मन ना हो तो चुपचाप खड़ा रहता है, या टीवी के सामने भी मैं इसमें डालकर इसे खड़ा कर छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसमें गिरने का डर नहीं है, इसलिए बाबू इसमें अच्छी तरह से खड़ा हो पाता है। देखिए इस तरह के बच्चे के लिए ये वाकर बहुत ही हेल्पफुल है, जो बच्चे को खड़ा होने में सहायता करता है। बाबू टाइट होके खड़ा हो जाओ,
चलो चल के दिखा बाबू, चल के दिखा। चलो आजा बाबू, धीरे 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 नीचे देखते हुए आइए, धीरे धीरे इस तरह से। अगर बच्चा आपका कंट्रोल कर रहा है तो आप इसमें चक्कर लगाकर भी रख सकते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल के लिए खोल दिया है क्योंकि ये चक्के के कारण ये कंट्रोल नहीं कर पाता। तो बाबू आओ, चल के दिखाओ, अच्छा से टाइट हो जाओ, टाइट हो जाओ, सीधा होके चलिए आइए। आराम से धीरे धीरे, चलो आराम से धीरे धीरे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मेरा बाबू खड़ा है और हल्का हल्का कदम बढ़ा रहा है। देखिए अगर आप लोगों को भी ये हेल्पफुल लग रहा है तो इस तरह का वॉकर बनवा लीजिए, आपका भी बाबू इसमें अच्छी तरह से रुक पाएगा। इस तरह से देखिए कितनी अच्छी तरह से खड़ा है। टाइट होके खड़ा हो बेटा, तुमको डर भी लगता है इसमें? इसको डर नहीं लगता है, ये बाबू का इसका बाइक है। देखिए कितनी अच्छी तरह से अपने बाइक को चला लेता है। चला तो बाबू, बाबू चला के दिखा दो अपना बाइक। चलाइए आराम से, धीरे 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 आराम से आइए, चल के दिखाइए। चलो घूम के दिखाओ किस तरह से घूम जाता है तुम उसमें, घूम के दिखाओ। ये देखिए किस तरह से बाबू खुद से घूम गया है। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे तक चलो। तो बस आज के लिए इतना ही, कल हम फिर कुछ जानकारी के साथ कुछ चीज़ों को दिखाएंगे किस तरह से बाबू मेरा किस चीज़ से क्या करता है, कल मैं दिखाऊंगी फिर से। बेटा बाय कर दो। लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं जो भी वीडियो डालूँगी आप तक उसकी जानकारी पहुँचेगी। थैंक यू।